So, दोस्तों हम आ गए हैं आज महिंद्रा के सर्विस सेंटर में। सेकेंड सर्विस है मेरे स्कॉर्पियो एन की। देखो 10,198 किलोमीटर हो चुके हैं एंड आई टेल यू देयर इज वन सिस्टम एरर दैट शोस, और वो सिर्फ सर्विस ड्यू का रिमाइंडर ही देता है। जब 9,900 किलोमीटर कुछ हो गए थे तभी इसने रिमाइंडर देना शुरू कर दिया था। कुछ इश्यूज हैं जो मैंने गाड़ी में नोट करके रखे हैं, बहुत बेसिक इश्यूज हैं, आई कैन लिव विद इट, बट वो रिजॉल्व करना जरूरी भी है कि चलो अच्छे से सारे फीचर्स यूज भी हो और मुझे कोई इनकन्वीनियंस ना हो। तो उसके लिए जो जो चीजें मैं कर सकता हूँ वो मुझे सर्विस सेंटर में आज बताकर रखनी है, इसलिए मैंने सिस्टम इश्यूज छोटे छोटे नोट करके रखे। सेकंड सर्विस में इंजन ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर चेंज, एयर फिल्टर चेक या चेंज, ये सब कुछ होगा ही। एसी फिल्टर भी मैं शायद उनको पूछूंगा चेक करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने दो बार जंगल सफारी की है तो जंगल सफारी में बहुत ज्यादा डस्ट गाड़ी पर आ गई थी। अब देखते हैं सर्विस में हम लोग क्या क्या कवर कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल बताता हूँ पूरी की पूरी। सो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से रूटीन वाले काम मैं यहाँ करवाने वाला हूँ और कौन कौन से इश्यूज है जो मैं लेकर आया हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक स्टीयरिंग नॉइज है जो मैं नोटिस कर रहा था पिछले एक या दो हफ्ते से। थोड़ा थोड़ा स्टीयरिंग अपन लो मोशन पर मूव करेंगे ना तो कू 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 साउंड आता था, जैसे ऑयलिंग ग्रीजिंग की जरूरत होती है किसी दरवाजे को, ऐसा अजीब सा नॉइज इसमें आता था। तो लो स्पीड पर ही वो आता था क्योंकि लो स्पीड पर मैं स्टीयरिंग ज्यादा घुमाता हूँ, वहाँ पर मुझे पता चलता था, वो मुझे जल्दी से सुधरवाना था। इसके अलावा कोई सीरियस इशू गाड़ी में था ही नहीं, बट बीच में ना कुछ प्रॉब्लम्स मैंने फेस की थी, जैसे कि इंफोटेनमेंट में ना कैमरा जो है वो थोड़ा थोड़ा लैग करता है कभी कभी जब अपन रिवर्स वगैरह लेते हैं या फिर फ्रंट कैमरा को स्टार्ट करते हैं। 4x4 की सेटिंग बंद हो गई थी एक बार, तो उसको वापस से रिस्टार्ट करने के लिए मुझको बैटरी का जो कनेक्शन है वो टर्मिनल ब्रेक करना पड़ा। इसके अलावा एक बार बीच में स्पीकर्स बंद हो गए थे तो उसके लिए भी मुझे बैटरी का डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट करना पड़ा था नेगेटिव टर्मिनल को निकाल करके। हेडलाइट बीम को मैं एडजस्ट करवा लेना चाहता हूँ ताकि हेडलाइट थोड़ा सा दूर जाए, वो लो बीम के साथ ही काम कर रहा है हाई बीम वाला, तो वो थोड़ा सा दूर करना है। ब्रेक फ्लूइड जो है उसकी वार्निंग बीच बीच में आ जा रही थी, जैसे मैं कभी कभी लॉन्च कंट्रोल जैसा यूज करता हूँ गाड़ी को कि चलो एकदम लो स्पीड पर है या फिर अपन हाईवे पर कहीं पर है और मुझे ना एकदम थोड़ा सा पिक करना है स्पीड को, बहुत हैवी अग्रेसिव भी नहीं, नॉर्मली मैं थोड़ा सा एक्सेलरेशन अच्छे से करता हूँ, तो ही वो बोल देता है कि ब्रेक फ्लूइड का लेवल चेक करो वो लो है। इसके अलावा फ्रंट पार्किंग सेंसर का साउंड आना बंद हो गया है, सेटिंग मुझे दिख नहीं रही थी एमआईडी पे उसकी, तो मैं इन लोगों को बताऊंगा इनसे ठीक करवा के ले लूंगा। और बाकी सब कुछ तो ऑलमोस्ट ठीक ही है। बोनेट पे एक डेंट आया हुआ है मेरे बैठने की वजह से, तो उसका भी रिपेंटिंग का खर्चा सिर्फ पूछ लूंगा। सनरूफ के लिए कवरेज जो है वो पैडिंग वगैरह कुछ आने वाली है, सब अपडेट हमको दिखा है, बट अभी महिंद्रा ने उसके लिए रिकॉल्स रिलीज किए या नहीं किए वो तो यहाँ पे आने के बाद पता चलेंगे, इन लोगों से डिस्कस करेंगे अपन। बाकी रूटीन सर्विस में मैं वॉशिंग नहीं करवाऊंगा, इंजन ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर चेंज, एयर फिल्टर को चेक और क्लीन, डीपीएफ को रिफिल, डीपीएफ का रीजनरेशन, एसी फिल्टर को चेक करेंगे चेंज करेंगे, और फिर व्हील अलाइनमेंट चेक करने की जरूरत पड़ी तो ठीक है, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। ब्रेक फ्लूइड तो करना ही है, कूलेंट का टॉपअप भी करेंगे, व्हील रोटेशन करेंगे, ऐसी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट वाली हम लोग आज यहाँ करेंगे। बाद में कुछ एक्सेसरीज का काम भी करवाने वाला हूँ। फ्रंट लेफ्ट ठीक है, तो हमने फ्रंट लेफ्ट का टायर रियर राइट में, फ्रंट राइट का टायर रियर लेफ्ट में लगाया, रियर राइट का टायर फ्रंट राइट में लगाया, रियर लेफ्ट का टायर हम लगाएंगे फ्रंट लेफ्ट में।
इसकी फिल्टर चेंज करना है। ये भी महिंद्रा की जेन्युइन एक्सेसरी है। कितने का आता है ये? 550 रुपये का। तो ये है पुराना वाला, ये है नया वाला, कंपैरिजन में देख लो। एसी ने बड़ी गंदगी लेके रखी मस्त, तो धूल मिट्टी में अपने गाड़ी चलाई। सो रिकॉल के फैक्टर्स में से एक फैक्टर है कि टाई क्लिप लगानी थी यहाँ एक छोटे से कंपोनेंट में। वो टाई क्लिप लगाने की वजह से क्या होगा कि थोड़ी सी सेफ्टी अश्योर हो जाएगी उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की। इसके अलावा दो रिकॉल और हैं गाड़ी के। एक तो अंदर फ्लैशिंग करनी थी सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए। तीसरा रिकॉल है सेकेंड वाली की असाइन हो गई है, बट उसके कैलिब्रेशन के लिए 2-2.5 घंटा देना पड़ सकता है। कभी कभी जल्दी हो जाता है, कभी टाइम भी लग सकता है। फ्लैशिंग भी है जो सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए, उसमें भी टाइम लग सकता है। तो मैं तो सेकेंड ट्रायल पर आ गए शिशिर भाई के साथ में, और शिशिर भाई अभी चेक कर रहे हैं कि गाड़ी में कुछ दिक्कत तो नहीं है चलने में। पहले जो उन्होंने ट्रायल लिया था उसमें देख लिया था, तो छोटे मोटे इश्यूज जो मैंने बताए थे वही थे। अभी क्या हुआ कि छोटे मोटे इश्यूज कुछ दिख नहीं रहे गाड़ी के अंदर, और जो भी सर्विस हो गई उसके बाद में गाड़ी में टायर रोटेशन की वजह से कुछ ड्राइविंग में डिफिकल्टीज तो नहीं दिख रही, वो दिख रहे हैं। तो वो सब चीज़ों के अभी इश्यूज रिजॉल्व हो गए। स्टीयरिंग नॉइज आ रही थी, वो भी हमने नोटिस की थी, वो हमने अभी रिजॉल्व देख लिए। उसमें भी कोई इशू अभी आ नहीं रहा है, तो सब कुछ क्लीन हो गया है।
सो फाइनली पूरी गाड़ी की सर्विस हो जाने के बाद और सारे इश्यूज रिजॉल्व होने के बाद मैं आ गया अपने फेवरेट वॉशिंग सेंटर में, जो कि नागपुर के हिंगना टी पॉइंट के पास में डियर ऑटो ग्रुप का कार वॉशिंग सेंटर। यहाँ पर बहुत बेहतरीन फोम वॉश हमेशा मुझे मिलती है, मैं अपने कई वीडियोज़ में दिखा भी चुका हूँ, बट इस सर्विसिंग के वीडियो में दिखाना ज़रूरी है कि अगर मैं गाड़ी को वॉश किसी स्पेसिफिक जगह पर ही करवाता हूँ तो वो ज़्यादा प्रोफेशनल सर्विस ऑफर करने वाली जगह ही होनी चाहिए। जैसी सर्विस मुझे यहाँ पर मिल जाती है, इंटीरियर एक्सटीरियर सब क्लीन करके मिल जाता है, इंजन बे को भी बड़े रिस्पॉन्सिबली क्लीन करते हैं, एंड एंड रिजल्ट जो होता है गाड़ी में वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ताकि आपको गाड़ी एकदम साफ सुथरी मिले। अब डियर ऑटो ग्रुप ने अपने साइड वाले शॉप में एक एक्सेसरी का कलेक्शन भी ऐड कर लिया है जो लॉन्च अभी हुआ था 1-1.5 महीने पहले, तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन है और प्राइसिंग भी बहुत अच्छी रखी हुई है यहाँ पर। अगर आपको मार्केट में कोई चीज़ 5-6 हज़ार की मिलती है, यहाँ पे आपको 2.5-3 हज़ार या 4 हज़ार में मिल जाएगी सेम क्वालिटी की, ऐसी चीज़ें यहाँ पर ऑफर की जाती है। एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।